Class 4, subject math, chapter 2, addition of numbers. देखिए बच्चों, आपने 4 digits तक के numbers को add किया है. अब हम इसमें second chapter में addition of 5 digit numbers, यानी 5 digit के numbers का addition पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले मैं आपको कई grouping बता दे रहा हूँ. हमने first chapter में भी group बनाए हैं. इस चैप्टर में आपको रीग्रुपिंग बता देता हूं. जैसे देखिए इधर 5, 6, 7, 8, 9 ये है 9 ones. 9 ones जब इसमें एक वन और ऐड हो जाता है, यानी वन वन इसमें ऐड हो जाता है, तो ये बन जाते हैं 10 ones. देखिए ये हो गए 10 ones. और 10 ones को हम एक ग्रुप में चेंज कर देते हैं. ये 10 ones का हम एक ग्रुप बना देते हैं और ये ग्रुप होता है 1 10. क्या होता है 1 10. इसी तरीके से रीग्रुपिंग कैसे करेंगे, देखिए जैसे ही एडिशन 2 digits या 3 digits का एडिशन 9 से ज्यादा होगा तो हम उसकी ग्रुपिंग कर लेंगे. जैसे 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. देखिए 5 ones, 6 ones एंड 7 ones. 5 ones, 6 ones एंड 7 ones. इनका एडिशन करने में तो कितना आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. कितना आता है 18. देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. यानी 18 ones. इसकी हम रीग्रुपिंग करते हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहां तक के ones को हम एक ग्रुप में चेंज कर देते हैं और ये कितना बन जाता है 1 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 8 ones. यानी 18 ones को हम दोबारा से जब रीग्रुपिंग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 10 एंड 8 ones. ये हो गई इसकी रीग्रुपिंग. इस तरीके से हम रीग्रुपिंग करेंगे. अलग अलग तरह की रीग्रुपिंग मैं आपको बताता हूं. देखिए 10 ones. 10 ones का एक ग्रुप कहलाता है 1 10 और 10 tens का ग्रुप कहलाता है 100. ऐसे ही अगर 100 tens होगा तो कितना बन जाएगा 10 hundred. और 10 hundred, 10 hundred का ग्रुप कितना क्या होता है 1000.
1000 or 10,000. 10,000 का बुक क्या कहलाएगा? 1/10,000. इस तरीके से हम ग्रुप्स बना करके एडिशन करेंगे. देखिए क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज ए या एक्टिविटी ए का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे. मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बता देता हूं. क्वेश्चन सी देखिए. क्वेश्चन सी दिया हुआ है. सबसे पहले हम लिख लो प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से लिखेंगे. देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड और 10,000. सिंपल है. देखिए 89 वंस में देखिए 9 टेंस में 8 573 वंस में 3 टेंस में 7 100 में 5 4637 वंस में 7 टेंस में 3 100 में 6 1000 में 4 39044 वंस में 4 टेंस में 4 100 में 0 1000 में 9 10,000 में 3. तो जहां पर भी वैकेंट पोजीशन है वहां पर क्या रखेंगे? 0. ठीक है ना? 0 यहां रखा, यहां पर भी 0 और इस नंबर में ये सारे के सारे कॉलम्स अब फिल हो चुके हैं. अब हम इनका एडिशन करते हैं. सबसे पहले वंस की पोजीशन पर जो डिजिट्स हैं उनका एडिशन करेंगे. कितना होगा? देखिए 9 वंस प्लस 3 वंस प्लस 7 वंस और 4 वंस. इनको सबको ऐड किया. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4. इन सबको हम काउंट करेंगे. देखिए टोटल कितना होगा? 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. कितना हुआ? 23 वंस. और जब हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे तो देखिए वन ग्रुप 10 वंस का ये बन जाएगा और एक ग्रुप क्या बन जाएगा आपका? ये वाला. टू ग्रुप 100 टेंस के और 3 वंस. यानी देखिए 2 टेंस प्लस 3 वंस. चलते हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस बॉक्स में सिर्फ एक ही डिजिट रखी जाएगी, एक से ज्यादा डिजिट नहीं आएंगी. यहां पर आप 23 नहीं लिख सकते हैं. इन दोनों का झगड़ा हो जाएगा. ये कहेगा भाई इस रूम में तो मैं रहूंगा क्योंकि मैं राइट में हूं, राइट वाली डिजिट भी रूम में रह सकती है. इसलिए इसने कहा कि तुम टेंस की पोजिशन पर हो, तुम मेरे वाले रूम में नहीं रह सकते, तुम जाओ टेंस की पोजिशन पर. तो 23 में तो आप वंस वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? 3. और जो 2 टेंस है ये आगे ले जाते हैं. ले जाना यानी कैरी. और ये 2 की टेंस क्या बन जाएगा? कैरी. और इसको अपने यहां ले. अब टेंस का टोटल करते हैं. देखिए सबसे पहले ये जो कैरी हम लेकर आए हैं टेंस के कॉलम में इसको देखेंगे. 2 टेंस
8 tens, इसके बाद 7 tens, फिर 3 tens और 4 tens, तो ये टोटल कितना हो जाएगा लिखते हैं 2 एंड 8 10 10 एंड 7 17 एंड 3 20 और 4 34 कितना हो जाएगा ये 24 tens और 24 tens की जब हम regrouping करेंगे 24 tens की जब हम regrouping करेंगे तो ये कितना बनेगा 200 एंड 4 tens. अब देखिए 200 और 4 tens बना रहे हैं, 4 tens tens के कॉलम में आ जाएगा और 200 क्या बन जाएगा कैरी, और ये कहां चला जाएगा 100 की पोजीशन पर 2. अब देखिए 100 की कॉलम का टोटल करते हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 200 फिर 500 प्लस 500 और फिर 600 जब हम इनको करते हैं टोटल 205 7 7 6 13 1300, बनते हैं और 1300 के हम क्या कर सकते हैं रीग्रुपिंग कर सकते हैं, कैसे 1000 एंड 300 1000 एंड 300. तो देखिए 300 को कहां जाएगा 100 के कॉलम में और 1000 कहां जाएगा कैरी ओवर कर जाएगा 1000 के कॉलम में. अब हम 1000 के कॉलम का टोटल करते हैं तो देखिए क्या है 1000 है प्लस 4000 है प्लस 9000 टोटल करते हैं हम इनका 1 प्लस 4 5 एट 9 कितना हो जाएगा 14000 और 14000 की जब हम रीग्रुपिंग करेंगे तो कितना आएगा 110000 एंड 4000 110000 एंड 4000 4000 है तो इसको हम 1000 वाले कॉलम में लिखेंगे और 1 क्या है 10000 है तो इसको हम कैरी करके कहां ले जाएंगे 10000 के 1. अब देखिए 10000 कितना हो जाएगा 1 10000 और 3 10000 कितने हो गए 4 10000. इस तरीके से हम एडिशन करेंगे. यहां देखिए ये 5 डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट का, 3 डिजिट का और 2 डिजिट का, लेकिन कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4. 4 नंबर्स को हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ये हमारा आंसर आएगा. नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं. देखिए ए एक्टिविटी में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें नंबर्स पहले से प्लेस वाले चार्ट में दिए हुए हैं. बी एक्टिविटी में हमें जो एडिशन करना है उसके लिए नंबर्स प्लेस वैल्यू चार्ट में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन
क्वेश्चन में लिखा है राइट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड एड, तो हम इन नंबर्स को सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे और फिर एड करेंगे। देखिए कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 डिजिट तक का हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले वंस, फिर टेंस, 100, 1000 और 10,000, तो हमने 5 प्लेस तक का प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया है। अब हम इसमें नंबर्स को रखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने इसमें रखा 45,834, इसके बाद 8,994. अब देखिए दूसरे नंबर में 10,000 की पोजिशन पर गए, तो क्या रखेंगे, 0। अब हम इनका क्या करना है, टोटल करना है। तो सबसे पहले हम वंस की पोजिशन का टोटल करते हैं। देखिए 4 वंस प्लस 4 वंस कितने हो जाएंगे, 8 वंस। ये 9 से ज्यादा नहीं है, 10 से कम है, इसलिए ये देखिए 1 भी डिजिट है, ये सिंगल डिजिट है, इसलिए वंस के कॉलम में आ जाएगी। उसके बाद टेंस का करते हैं। देखिए 3 टेंस एंड 9 टेंस कितना आएगा, 12 टेंस। और 12 टेंस की जब हम रीग्रुपिंग करेंगे तो कितना बनेगा, 100 and 2 tens, 100 और 2 tens, 2 tens को tens के कॉलम में लिख देंगे और 100 कहां से ले जाएगा, 100 के कॉलम में कैरी बन गए, बन जाएगा ये कैरी। अब नेक्स्ट देखिए 100 की काउंटिंग करते हैं, 100 और 800 और 900। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 1800 कितना आएगा, 1800। देखिए 1 और 8 9, 9 और 9 18। 1800 को हम ग्रुपिंग में कैसे लिखेंगे, 1000 and 800। One, five, eight, one and five, six, six and eight, 14 कितना हुआ ये, 14,000।
और 14,000 की रिक्रूटिंग हम करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 10,000 एंड 4,000 1 10,000 and 4,000। अब देखिए 4,000 को 1,000 के कॉलम में लिखेंगे और ये 1 10,000 क्या हो जाएगा, कैरी, और ये 10,000 के कॉलम में जाएगा। अब 10,000 के कॉलम को ऐड करते, देखिए 1 10,000 तो 4 10,000 टोटल कितने हो गए, 5 10,000। इस तरीके से हम ये एडिशन करेंगे। ये एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट देखिए सी एक्टिविटी आती है। देखिए सी एक्टिविटी में आपको नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, नंबर नहीं दिए हुए हैं, पहले इनको नंबर्स में चेंज करना है, फिर उनका सम करना है, यानी एडिशन करना है। देखिए 7,598 30,013 46,046 तो ये आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, वर्ड्स में दे रखे हैं ये, हम इनको क्या करेंगे नंबर्स में चेंज करते हैं। प्लेस टेबल के हिसाब से देखिए 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000। सबसे पहले 7,598 7,000 तो 1,000 में हमने क्या लिखा, 7,500 और 98, 90 यानी 10s में 9 और 1s में 8 7,598। नेक्स्ट लिखिए 30,000 यानी 10,000 में 3 यहां पर 0 ये 30,000 13 100 में देखिए 100 में कुछ नहीं दिया हुआ है इसलिए 100 को ब्रैकेट छोड़ेंगे, ब्रैकेट की जगह में क्या लिखते हैं 0 और 13। नेक्स्ट देखिए 46,000 100 में कोई वैल्यू नहीं है इसलिए ब्रैकेट है तो 0 रखेंगे और 46 इसका हमें क्या करना है सम। देखिए 1s में 8 है 3 है और 6 है, 8 1s 3 1s और 6 1s कितने हो जाएंगे, 8 प्लस 3 11 फिर 11 प्लस 6 17 या ऐसे भी कर सकते हो 8 प्लस 3 प्लस 6 ये भी कितने आएंगे 17। पहले हमने इतना को जोड़ा 8 और 3 11 11 एंड 6 17 या 8 प्लस 3 प्लस 6 कितना जाएगा 17। 17 के लिए देखिए क्या लिखेंगे, 1 10 7 1s ग्रुपिंग कर दिया हमने, 7 1s है तो 1s में 7 लिखा और 10 110 ये क्या हो जाएगा कैरी, और कैरी होके कहां चला जाएगा ये 10s की पोजिशन पर यहां। अब देखिए 1914 कैरी वाला 1 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4 देखिए 1 9 10 10 प्लस 1 11 11 प्लस 4 15 15 tens की रिक्रूटिंग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 100 and 5 tens 100 तो कहां चला जाएगा कैरी, कैरी होकर के 100 वाले कॉलम में आ जाएगा और 5 tens 10s वाले कॉलम में।
नेक्स्ट 100 की देखिए काउंटिंग करते हैं 1 + 5 = 600 1 कैरी ओवर और ये 5 = 600 ये 10 से कम है तो हम इसको सिंगल डिजिट यहां लिख देंगे। इसके बाद 7 पे कोई कैरी नहीं है देखिए इधर 1000 पे कोई कैरी नहीं है 7000 और 6000 7 + 6 0 को हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये बैकेंड पोजीशन है 7 6 अगर 0 पे ऐड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा 7 और 6 कितने हो गए 13 या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7 + 0 + 6 तो भी 13 नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा 13000 है देखिए 13000 है हम इसको ग्रुपिंग कर देते हैं 13000 की तो ग्रुपिंग क्या होगी इसके देखिए 110000 और 3000 110000 और 3000 तो हमने 3000 यहां लिखा 1000 के कॉलम में 1000 को क्या बना दिया कैरी कैरी करके कहां ले गया है 10000 के कॉलम में या 1 3 4 1 + 3 + 4 1 और 3 4 4 8 तो ये हो गया 8 10000 यहां पर हम क्या लिखेंगे 8 इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे ये बाकी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं मैं पिछले चैप्टर में आपको नंबर्स को वर्ड्स में और वर्ड्स को नंबर में चेंज करना बता चुका हूं इसलिए क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम डी और ई एक्टिविटी करेंगे उसको अच्छे से समझ के करिए ताकि आपको आगे परेशानी नहीं हो थैंक यू